जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये हमें हर पल कुछ नया और अनूठा देखने का अवसर प्रदान करती है। जीवन के अलग अलग पड़ावों पर हमें अलग अलग अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। निरंतर आगे बढ़ते जीवन में कभी कभी हमें लगता है कि हम एक वृत्ताकार रास्ते पर चल रहे हैं। जीवन चक्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं को बहुत ही शानदार ढंग से पेश किया है जानी मानी कलाकार भारती शर्मा ने अपनी एकल चित्रकला प्रदर्शनी मुंडेन 81 में। इस प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में हुआ। इस प्रदर्शनी की सबसे अनोखी बात यह है कि इन्होंने अपनी चित्र श्रृंखला वास्तु विज्ञान से जोड़कर पेश की है। एक ही चित्र में आपको ढेर सारे सर्कल्स देखने को मिलेंगे। अलग अलग वृत्त जीवन के अलग अलग भावों को पेश करते हैं। इन चित्रों को देखकर आपको ये भी एहसास हो रहा होगा कि चित्रकार ने अलग अलग पेंटिंग्स में सर्कल्स को अलग अलग रंग से पेश कर क्या दिखाने की कोशिश की है। जनाब, भारती ने भिन्न भिन्न रंगों के माध्यम से एक खास तरह के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। वास्तु से मेरा काम किस तरह से कनेक्टेड है, मैं ये आपको बताती हूँ, क्योंकि हर कलर का एक डायरेक्शन होता है। हम किसी भी कलर को कहाँ पर लगा रहे हैं, अगर हम उसको एक जो उसके मैक्सिमम इफ़ेक्ट्स वाले डायरेक्शन है उसमें लगाएंगे तो हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो हमारी मेंटल एनर्जी है वो उससे कलर वाइब्स अट्रैक्ट होंगी। जैसे कि हम ग्रीन फॉर द नॉर्थ, अगर ग्रीन को नॉर्थ में लगाते हैं और एक हीलिंग पर्पस के लिए लगाते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एंड वी गो फॉर द, और कुछ हैं कि किस तरह से मानसिकता को ये प्रभावित करते हैं। ग्रीन है फॉर द हीलिंग ग्रोथ, और उसको हम पेशेंट्स के लिए बताते हैं। और उसके बाद में जैसे मेरा ये काम है गोल्डन, गोल्डन इज़ फॉर द ऑफिसेज, यहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है तो इसके लिए हम इसको ऑफिस के लिए लगाते हैं। पिंक इज़ फॉर द लव ग्रोथ बॉन्डिंग एंड अफेक्शन, तो जहाँ पे बॉन्डिंग की कमी है, जहाँ पे इमोशनली आदमी इनसिक्योर महसूस करता है, जहाँ पे उसको कुछ कमी आपस में जैसे प्यार में कमी नज़र आती है, किसी तरह से वो इनसिक्योर फील करता है, तो गो फॉर द पिंक। That is for the bedroom, जो कि अलग अलग रूम भी होते हैं उसमें भी अलग अलग तरह के काम लगाने चाहिए, जिस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा आदमी उन चीज़ों को देखे और उन पेंटिंग्स को देखे, उन रंगों को देखे और उससे प्रभावित हो। हम सबके जीवन में ढेर सारे रंग होते हैं। हमारे साथ जब कुछ अनिष्ट होता है तो हम गम और उदासी में डूब जाते हैं। वहीं जब हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो हम खुशी और उत्साह के रंग में डूब जाते हैं। लंबे समय से रंग विज्ञान पर काम कर रही भारती ने अपने चित्रों में जीवन के पल पल बदलते भावों को बहुत ही आकर्षक ढंग से पेश किया है। भारती के चित्र अपने आप में एक संपूर्ण कथा संसार को समेटे मालूम होते हैं। इन्होंने कुछ कृतियों में वृत्तों को थोड़ा बहुत विकृत स्वरूप में पेश किया है। इसके सहारे शायद कलाकार ने जीवन के बुरे दौर को दिखाने की कोशिश की है। आधुनिक दौर में कला के मॉडर्न होते स्वरूप के बीच सर्कल्स के सहारे जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन भारती ने जिस शानदार ढंग से इसे पेश किया है वो अनुपम बन गया है। कला की दुनिया से लंबे समय से जुड़ी रही भारती अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए भी अपने चित्रों के सहारे खुशियां तलाशने की कोशिश करती हैं। निराशा, हताशा और परेशानियों में फंसे लोगों को भारतीय खुशनुमे रंगों और आकृतियों के सहारे एक नए संसार में ले जाने की कोशिश करती हैं।
कला की दुनिया में इस तरह की रोचक पहल बहुत कम ही देखने को मिल रही है। अगर हम मेडिकल एस्पेक्ट्स से इसको जोड़ते हैं तो एम्स से, जैसे कि मैंने बताया था कि इस तरह से अगर हम कलर्स को अगर हीलिंग थेरेपीज के लिए एक मरीजों के जो एक सुरुचिपूर्ण उनके उद्देश्य के लिए अगर हम इनको कलर्स को प्रभावित करते हैं, किस तरह से उनको आफ्टर मेडिकेशन दे फील डिप्रेस्ड और उसको डिप्रेशन को उनको दूर हटाने के लिए किस तरह से रंगों को उनसे जोड़ सकते हैं, तो रंगों से जोड़ने के लिए हम बोलते हैं कि एक उनको थोड़ा सा कलर्स के लिए केवल उनको ज़रूरत नहीं है कि कलर्स को वो कितना फिलोसफी में जाएं, उनको कलर्स के ऊपर कंसंट्रेट करने की, एक अच्छे से कलर्स उनको दिखेंगे तो उसके बाद में वो अच्छा फील करेंगे, उनके रंग अच्छे कलर्स की सराउंडिंग्स देंगे, एक कुछ पर्टिकुलर कलर्स हैं उन कलर्स को उनको कंसंट्रेट करने को बताएंगे, मेडिकेशन में उनको कुछ वर्कशॉप देंगे, कलर्स उनके सामने रखेंगे, उसके बाद में बोलेंगे कि दे स्टार्ट टेकिंग डल कलर्स और उसके बाद में बहुत अच्छे कलर्स वो लेने लगते हैं, उसके बाद में रिजुविनेटेड एक हैप्पी फील करने लगते हैं। तो ये कलर्स से हम उनको जोड़ सकते हैं कि एक मेडिकल उस एम्बियंस से निकल के एक रंग बिरंगी दुनिया में वो कैसे जाएं, कलर्स से अपने आप को कैसे कनेक्ट करें। भारती के चित्रों में ज्यामितीय आकृतियों की भी प्रधानता नजर आती है। त्रिभुज से लेकर आयत और वर्ग से लेकर चतुर्भुज तक सब कुछ इन्होंने इस तरह पेश किया है कि वो विषय के मूल भाव के साथ जुड़कर निहित संदेश को आसानी से कला प्रेमियों तक पहुंचाते मालूम होते हैं। डॉक्टर भारती शर्मा की ये प्रदर्शनी काफी जैसे एनर्जी देने वाली है और इनके कुछ कुछ काम तो अगर आप इनके सामने खड़े हों, इनसे कनेक्ट हों, तो लगता है कि शायद ये आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं। इसके लिए कोई नाप तोल या कोई एक मेज़रमेंट नहीं है कि हमें कितना मिल रहा है, ये सिर्फ महसूस करने की चीज़ है कि आप इनके सामने अगर खड़े हैं। जैसे कि इनकी एक पेंटिंग है शुरू में जो गोल्डन कलर की है, उसे देख करके बिल्कुल आप अगर सामने खड़े होते तो कोई डिवाइन फीलिंग जैसे आती है, ऑरेंज और येलो कलर जो कि हमें एक लगता है कि हम किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अलग अलग भावों को समेटे भारती की ये चित्र श्रृंखला अपने अनूठेपन के कारण कला प्रेमियों के जहन में छाप छोड़ने में बहुत हद तक सफल प्रतीत होती है।